जय दोस्तों, मैं विशाल और आप देख रहे हैं तपो न्यूज। जिस तरह से दिल्ली सरकार वहां पे फैसले ले रही है, ऐसा लगता है दिल्ली भारत का कोई राज्य नहीं बल्कि पाकिस्तान का कोई राज्य हो। अब दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे तुगलकी फरमान सुना रही है जिसे इस देश के लोगों में आपस में लड़ाने और फूट डालने का काम करेगा। सो चलिए आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सारे राजनीति से प्रेरित फैसले ले रहे हैं और अब दिल्ली की जनता के साथ साथ वो देश की जनता की आंखों में भी धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी के लेटेस्ट फैसले की बात करें तो जो दिल्ली के लोग हैं वही केवल दिल्ली के हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा सकते हैं, बाकी जो दूसरे राज्यों से लोग आके दिल्ली में रह रहे हैं वो अपना इलाज किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में कराएं। ये केजरीवाल जी की अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, दो राज्यों के लोगों के बीच आपस में फूट डाल रहे हैं ताकि लोगों का इससे ध्यान भटक जाए। क्योंकि जिस समय देश में कोरोना केस बढ़ रहे थे और सारे राज्य अपने बेड्स के और हॉस्पिटल्स के अरेंजमेंट पे ध्यान दे रहे थे, उस समय भी केजरीवाल राजनीति कर रहे थे और अगर उन्होंने उस समय एक्स्ट्रा बेड और अपने हॉस्पिटल्स पे ध्यान दिए होते तो उनको इस तरह का तुगलकी फरमान या लोगों को ध्यान भटकाने के लिए या उनको राजनीति करने के लिए इस तरह से फैसले नहीं लेने पड़ते। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो केजरीवाल जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दो जजों की पीठ में ये बताया कि जो दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, जो उनके 3 या 4 कैंप हैं, उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है, खाने पीने रहने की सारी सुविधा उनको दिया जा रहा है। यानी रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं उनसे केजरीवाल जी को प्रेम है, लेकिन जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश का व्यक्ति है, जो इस देश में टैक्स देता है, वो दिल्ली के हॉस्पिटल्स में अपना इलाज नहीं करवा सकता है। इस देश का कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी रह रहा हो, किसी भी राज्य में रह रहा हो, वो जाके वहां के हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, लेकिन केजरीवाल जी ऐसा नहीं चाहते हैं और अपनी नाकामियों और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं। अगर आप केजरीवाल जी के फैसलों को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वो किस तरह से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति से प्रेरित फैसले ले रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लेटर लिखा था कि उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है और डॉक्टरों के पीपीई किट खरीदने के भी उनके पास पैसे नहीं है। उसके अगले ही दिन दिल्ली सरकार दिल्ली के लगभग हर पेपर में फ्रंट पेज पर ये ऐड देती है कि आप कोरोना से कैसे बच सकते हैं। इवन आज के टाइम में भी टीवी पे ये पर डे आ जाता है कि दिल्ली सरकार किस तरह से कोरोना के खिलाफ एक्शन ले रही है और किस तरह आप कोरोना से बच सकते हैं। ये करने के लिए दिल्ली सरकार को लगभग करोड़ों रुपए का बजट अनाउंस हुआ होगा, यानी करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, लेकिन उनके पास डॉक्टरों को खरीदने के लिए पीपी किट नहीं है और कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। उसके बावजूद उनको पेपर और टीवी में ऐड देने के उनके पास भरपूर पैसे हैं। तो वो किस तरह से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और किस तरह से अपने फैसले ले रहे हैं। दिल्ली सहित जब पूरे देश में कोरोना फैल रहा था उस समय दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री और कुछ लोगों ने मिलीभगत करके दिल्ली में अफवाह फैला दिया कि आनंद विहार स्टेशन से आने जाने के लिए ट्रेन मिल रहा है। ये सुनकर वहां लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे जिससे वहां कोरोना फैलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। मैं आपको ये इसलिए याद दिला रहा हूं, जो केजरीवाल जी सत्ता में आने से पहले देश के सभी नेता और सभी बिजनेसमैन को करप्ट कहते थे, जांच कराने की बात कहते थे, वो इस मुद्दे को जांच नहीं कराया, इस मुद्दे पे जांच कराने की नहीं सोची। इवन उन्होंने अपने कार्यकाल में पिछले 5 सालों में और अभी के 1-2 सालों में उन्होंने किसी भी व्यक्ति या जिन लोगों के ऊपर वो एलिगेशन लगाया था उनके खिलाफ कोई भी उन्होंने जांच नहीं कराई। उल्टा उन लोगों ने मानहानि का कुछ लोगों ने मुकदमा किया था और केजरीवाल को उल्टा कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी थी। तो इस तरह से राजनीति से प्रेरित लोगों को ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल इस तरह के फैसले ले रहे हैं और उनके पास अपना कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए। अगर जब देश में लॉकडाउन ओपन करना था तो दिल्ली सरकार उन राज्यों में से थी जिन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन ओपन करने के लिए गाइडलाइन जारी किया था। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि देश में उस समय ईद था और केजरीवाल जी के स्पेसिफिक कम्युनिटी को खुश करने के लिए इस तरह के फैसले लिए। हालांकि इसे पुख्ता तौर पर कहना सही नहीं होगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जो एक सवाल उठता है कि जब केजरीवाल जी को दारू की दुकानें खोलनी थी तब तो उन्होंने अपने आप खोल दिया, लेकिन जब उन्हें नॉर्मल गाइडलाइन जारी करना था तो वो ये दिखावटीपन कर रहे थे कि मैं जनता से पूछ के
खोलना चाहता हूं कि क्या ओपिन किया जाए और क्या न किया जाए। अगर आपको जनता से ओपिनियन चाहिए था तो आप दारू की दुकानों को ओपन करने के लिए भी जनता से राय मांगते तो शायद लगता, लेकिन केजरीवाल जी के इस फैसले से देख के लग रहा था कि वो दिखावटीपन कर रहे हैं या लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात किया जाए कोरोना से लड़ने की तो दिल्ली सरकार अभी तक कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से नाकाम दिखती है। उनके पास पहले से कोई फैसले नहीं थे, उनके पास पहले से कोई तैयारी नहीं थी और सिर्फ वो राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति के मुद्दों पे ध्यान दे रहे हैं। इवन अभी तक दिल्ली सरकार हॉस्पिटल्स पर FIR करवा रही है, वो डॉक्टर से नाराज है और कह रहे हैं डॉक्टर्स एक तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह से एलिगेशंस लगा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग तपो न्यूज़।